नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर वन के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक आपका नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो इसके पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस दो वीडियो में ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि प्राच्य अधिगम कार्यक्रम भारत में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि भारत में आपका जो पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे, यानी कि गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम पे। तो थोड़ा सा प्रीवियस की बातों को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए, ओरिएंटल लर्निंग में क्या था, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स में था कि जो हमारे पुराने जो संस्कृत रही है, जो हमारे कल्चर रहे हैं, हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम रहा है, हमारी जो उस समय लैंग्वेज रही है, हमारे जो जो भी चीज़ें उस समय की रही हैं उनको प्रकाश में लाना, जो भी हमारे ग्रंथ थे, जो भी हमारी लिपि थी, जो भी चीज़ें अभी प्रकाश में नहीं आ पाई हैं उनको प्रकाश में लाना, ऐसा कार्यक्रम, ठीक है। तो वो प्रोग्राम थे इसलिए कि जो प्राचीन की चीज़ें हमारी भारत की जो छूट गई हैं, जो अभी बाहर नहीं आई हैं, उसको निकालना, सहेजना और फिर आगे के लिए उसको सुरक्षित कर देना, जिससे कि हम लोग उसके बारे में जानकारी ले सकें, ठीक है। तो ओरिएंटल लर्निंग में ये था, ऐसे प्रोग्राम जो प्राचीनतम विषय वस्तुओं पे केंद्रित था, ठीक है। सेकेंड आपका कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम पे हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या था, ऐसा लर्निंग प्रोग्राम जो कन्वेंशनल था, पारंपरिक था, जैसे पहले से चला आता था, जैसे विषय केंद्रित, टीचर केंद्रित, ठीक है। और वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, वहाँ पे क्या होता था, एक सिस्टम के थ्रू एजुकेशन दिया जाता था, एक सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी देने का काम होता था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज लेना था और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था। उस समय क्या थे, तो वही चीज़ें हमारे पारंपरिक सिस्टम में चली आई और जो आज तक हमारे पारंपरिक सिस्टम में, चाहे वो आपका BA हो गया, BCOM हो गया, BSc हो गया, ओके, चाहे डॉक्टर बनना हो गया, चाहे इंजीनियर बनना हो गया, ये हमारे पारंपरिक सिस्टम में जुड़ी थी। तो वैसा प्रोग्राम जो हमारी कंट्री में चलता है उस पर डिस्कस हमने किया। लेकिन आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका है कौन सा, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ये गैर पारंपरिक पे बात होगी आज के वीडियो में, यानी जो हमारे पहले से चीज़ें चली आ रही हैं वो सिस्टम नहीं यहाँ पे फॉलो होगा, वो प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं फॉलो होंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम रहेंगे जहाँ पे टीचर सेंट्रिक ना होके स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम्स रहेंगे, यानी छात्र को जैसा चाहिए वैसा प्रोग्राम उसके लिए बना रहेगा। छात्र अपने आवश्यकता अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार क्या करेंगे, प्रोग्राम चुनेंगे। और वो प्रोग्राम क्या होगा, गैर पारंपरिक प्रोग्राम होगा, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रोग्राम हमारा प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक कार्यक्रम रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना है, तो ऐसा ये प्रोग्राम है, यानी कि आपको क्या होगा, आपको जॉब भी आगे बनाएगा, क्रिएट करेगा आपके लिए, और साथ ही साथ आपको एजुकेट भी करेगा। तो ऐसा प्रोग्राम ये है, गैर पारंपरिक प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और औपचारिक नहीं है कि एकदम आपको बस एक विषय के तरफ आपको केंद्रित कर दिया गया, यानी सब्जेक्ट के तरफ केंद्रित कर दिया गया, ऐसा नहीं। आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे रहेंगे जो आपके लाइफ को इन फ्यूचर बेहतर बनाएंगे, ठीक है। और आज के समय में ऐसे प्रोग्राम को बेहतर तरीके से और भी उन्नत बनाने के लिए हम चाहे तो कोचिंग का और भी सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे तो हम सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा के ऐसे कार्यक्रम में और भी क्वालिटी ला सकते हैं, हम चाहे तो वर्कशॉप का आयोजन करा के ऐसे प्रोग्राम में और बेहतर क्वालिटी ला सकते हैं। तो ये गैर पारंपरिक जो कार्यक्रम है उनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गैर पारंपरिक
प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम स्टडी करके हम आगे बेहतर लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहेगा ये प्रोग्राम्स। और साथ ही साथ हम बता दें कि आज के समय में ये प्रोग्राम आप ICT बेस्ड भी ले सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू भी आप ले सकते हैं, MOOCs आधारित प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, डिस्टेंस मोड से ऐसे प्रोग्राम को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ICT भी है, न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ नए प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस पर डिस्कस होगा। तो देखिए ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आपके कार्यक्रम जो है, कोर्स है, तो पेट ग्रूमर्स का है, ठीक है। पेट ग्रूमर्स यानी कि पशु रख रखाव, यानी कि पशुओं से जुड़े हुआ आपका यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा। आपको बताया जाएगा कि पशु को साफ कैसे रखना है, व्यवस्थित कैसे रहना है, आपको मतलब ट्रेंड किया जाता है इस प्रोग्राम में, पेट ग्रूमर्स प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उनके जैसे बाल कैसे काटने हैं, सुरक्षित कैसे उनका बॉडी को और भी बेहतर कैसे रखना है। तो इससे जुड़े हुआ, पेट से जुड़ा हुआ आपको पूरा का पूरा चीज़ें सिखाई जाती हैं ऐसे प्रोग्राम में, जिससे कि आप इसको व्यवसाय बना सकें, ठीक है। तो इससे भी आपको रोजगार मिलेगा। फिर आपका टी टेस्टिंग, चाय प्रबंधन, यानी कि टी टेस्टिंग आप इसमें कोर्स करेंगे, और इसके बाद ऐसे मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप चाय से जुड़े हुए जहाँ पे भी जॉब हैं आप वो कर सकते हैं। और फिर आपका देखिए, जैसे कि हो गया आपका गेरोंटोलॉजी, ठीक है, अगर हम सही पढ़ रहे हैं तो ये गेरोंटोलॉजी है, अलग अलग चीज़ों मतलब शब्द से ऐसे बने होते हैं टेढ़ा मेढ़ा, आप अपने अपने दिमाग से अपने अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बुजुर्गों से, बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित ये प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, कोर्स है, इसमें ट्रेन किया जाता है कि बुजुर्गों का देखभाल कैसे किया जाए, ठीक है। तो ऐसे भी जॉब क्रिएट हो रहे हैं अब, जहाँ पे जो ये बुजुर्गों को रखना या इनके देखभाल करने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये भी आपका एक कोर्स हो गया। फिर आपका म्यूजियोलॉजी है, यानी कि संग्रहालय प्रबंधन से जुड़े हुए आपके कोर्स हैं, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि संग्रहालय में जैसे कि जो भी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं उससे जुड़ा हुआ कोर्स है, आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे कोर्स जो हैं ये भारत में गैर पारंपरिक कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। स्पा मैनेजमेंट, यानी कि आज आप काफ़ी फेमस देखते होंगे स्पा का, यानी कि जहाँ पे आपको बॉडी से संबंधित अच्छी देखभाल, उनका मसाज, ETC, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो इसमें कोर्सेस हैं, यहाँ पे आप ट्रेंड होके आप आगे वर्क कर सकते हैं। फिर देखिए कारपेट टेक्नोलॉजी है, यानी कालीन तकनीक में कोर्सेस अवेलेबल है, टेक्सटाइल है, कपड़े से प्रबंधन से जुड़े हुए कोर्सेज चल रहे हैं, गांधीयन थाट्स में UGPG के आपके कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी के जो विचार थे उसमें जुड़े हुए, सत्य अहिंसा आदि आदि चीज़ों पे बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड हैं चीज़ें, तो उस पर आप पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपका कन्वेंशनल से हट के ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सीधे नहीं है, इंजीनियर सीधे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उससे हट के यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे ये कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स क्या कर रहे हैं, ये कोर्स क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट की आवश्यकताओं को देख रहे हैं, जैसे उसकी आवश्यकता है वैसे यहाँ पे कोर्सेस बनाए जा रहे हैं, जो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो आप अपारंपरिक शिक्षण, आपका जो रणनीतियाँ हैं ये छात्रों की आवश्यकता पर देखिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह का संसाधन चाहिए वैसे संसाधन नॉर्म्स के अनुसार, मानकों के अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं, कौशल को डेवलप करेंगे, एप्टीट्यूड को बेहतर करेंगे, वैल्यूज को डेवलप करेंगे ऐसे प्रोग्राम, क्रिएटिविटी को विकसित करेंगे, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये आपका नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम है, यानी कि सीधे एक शब्दों में कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में डॉक्टर, इंजीनियर्स आदि को ही देखा जाता था, लेकिन अब इससे हट के कोर्सेस निकल के आए हैं, वो गैर पारंपरिक के अंतर्गत रखे जा रहे हैं, चाहे फैशन के हो गए, चाहे TVs के हो गए, चाहे गांधीयन थॉट्स हो गए, चाहे आपका पेट ग्रूमर्स हो गए, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ऐसे कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये था नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स।
तो हमें नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ऐसा कुछ क्रिएटिविटी डालना ज़रूरी है आपको बताने के लिए हमें कि आपको लगे कि हम ऐसा नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इजी है। आज के समय की जो मांग है, डिमांड है, उसके अनुसार जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमारे कन्वेंशनल से हटके हैं। इसके लिए हम ICT का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन का यूज कर सकते हैं, MOOC का यूज कर सकते हैं, स्वयं का यूज, जितनी भी चीज़ें इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हटके हैं, जो फिक्स एक प्लेस जो रहता था, एक टीचर एकदम फिक्स रहता, एक कोर्स एकदम निश्चित रहता था, एक ही सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करने का काम रहता था, वो अब हट गया है और हम गैर पारंपरिक कोर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमें जीने के लिए बेहतर तरीके से क्या करना है, जो चीज़ें हमें चाहिए उसको हमें मिले, ठीक है। और जीने के लिए बेहतर चीज़ें क्या हैं, हमारे अंदर स्किल पैदा हो और उस स्किल के साथ हम क्या करें, जॉब कर सकते हैं। जॉब होगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे हमारी लाइफ बेहतर होगी। यही मेन फोकस है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, हमें लगता है कि ये चीज़ें आपको अब इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर चुकी होंगी कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, नीड है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो आपका ये वोकेशनल स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो गया, आपका कन्वेंशनल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।